Hello dear student, good morning, have a good day. We provide the in previous video noun and its types. Let us start. We case in noun अर्थात संज्ञा में कारक या मामला जो होता है, संज्ञा में कौन सा संज्ञा जो है यानी कौन सा नाउन जो है सेंटेंस में किस पोजीशन पे आकर क्या हमें बताता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे, यानी उसी को हम केस करते हैं कि संज्ञा किसी शब्द में संज्ञा किसी वाक्य में जब आता है तो उसका अन्य शब्दों से वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध होता है उसी के बारे में जो बात शब्द बताते हैं उसी को जो है केस या कारक कहते हैं. लेट स्टार्ट नाउ केस इन नाउ. अ नाउन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केसेस. दीज केसेस टेल अस द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ नाउन इन द सेंटेंस. अब जो है यहाँ बताया जा रहा है कि संज्ञा को जो है उनके केस यानी कारकों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है. ये कारक संज्ञा का किसी भी वाक्य में उसका एग्जैक्ट पोजिशन यानी बिल्कुल स्थान बताते हैं कि उनका स्थान क्या है. फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, इसे सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है हिंदी में कर्ता कारक. एक्यूसेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जिसे हिंदी में जो है कर्म कारक कहा जाता है. नेक्स्ट पॉसेसिव केस, अजेनेटिव केस जिसे हिंदी में अधिकार कारक या संबंध कारक भी कहते हैं इसको. डेटिव केस जिसे संप्रदान कारक कहते हैं. वोकेटिव केस जिसे संबोधन कारक कहते हैं. अब इन कारकों के बारे में जो हम एक एक बारीकी से जो है अब लर्न करेंगे और देखेंगे. फर्स्ट नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. वेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देन इट इज सेड टू बी इन अ नॉमिनेटिव केस ऑफ सेंटेंस. यदि कोई संज्ञा किसी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट या उद्देश्य का काम करता है तो उसको जो है हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. एग्जाम्पल समीरा इज अ ब्राइट एंड इंटेलिजेंट गर्ल. यहाँ जो समीरा जो है हमारा सब्जेक्टिव केस में है इसीलिए जो है सब्जेक्ट है इसलिए जो है नॉमिनेटिव केस है. आयुष काल आदित्य, इसमें दो नाम है लेकिन फर्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है इसलिए जो है इसे नॉमिनेटिव केस में रखा गया है. इसलिए इसको पहचान के लिए हमने अलग मार्कर से लिखे हैं और रेड मार्क से अंडरलाइन कर दिए हैं कि जो भी जो है केसेस होंगे आसानी से पहचान लिए जाएंगे. नेक्स्ट एक्यूसेटिव केस. When the noun is the direct object of the preposition or the verb, then it is said to be an accusative case of the sentence. अर्थात जिसे कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक वह होता है जो क्रिया का फल जिसपे पड़ता है उसी को जो है क्रिया का प्रत्यक्ष फल जिसपे पड़ता है उसे जो है हम कर्म कहते हैं. Examples: the doctor is taking care of his client. डॉक्टर जो अपने मरीजों की देखभाल करता है. जो टेकिंग केयर जो है डायरेक्ट जा रहा है किसके हिज क्लाइंट है वो अपने मरीजों को देखभाल करता है. नेक्स्ट सेंटेंस आरुषि हैज नॉट डन हर असाइनमेंट टुडे. यहाँ पे जो है उसने तो किया है लेकिन क्या चीज हर असाइनमेंट यह जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है एक्यूसेटिव केस है. नेक्स्ट पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस. When a noun in a sentence denote a so possession or ownership or relationship, then it is said to be an possessive case. It is formed from by adding an apostrophe s in the noun. अर्थात संबंध कारक या अधिकार कारक वह होता है जो किसी का अधिकार या ownership या संबंध बताने का काम करता है. किसी भी संज्ञा का वाक्य में संबंध या अधिकार या स्वामित्व के बारे में बताने का काम जो है पॉसेसिव केस करता है. पॉसेसिव केस बनाने के लिए जो नाउन के साथ एपोस्ट्राफी एस का प्रयोग किया जाता है. एग्जांपल ही इज सिटिंग इन आदर्श चेयर. यहाँ पे जो आदर्श के साथ एपोस्ट्राफी एस है इसलिए जो हमारा क्या है पॉसेसिव केस है. नेक्स्ट दिस इज विश्वास अम्ब्रेला. यहाँ जो विश्वास के साथ एपोस्ट्राफी एस है इस प्रकार जो है हमारा पॉसेसिव केस है. नेक्स्ट डेटिव केस जिसे हिंदी में जो है हम संप्रदान कारक कहते हैं.
When a noun shows the indirect object of the verb, then it is said to be in ad-dative case of the sentence. जब गौण कर्म अर्थात मुख्य कर्म को छोड़कर बाकी दूसरे कर्म को बताने काम करता है, अदर ऑब्जेक्ट को बताने काम करता है, वर्ब के अदर ऑब्जेक्ट को बताने काम करता है, उसी को जो है हम डेटिव केस करते हैं। अर्थात इन प्रकार के वाक्यों में जो दो प्रकार के केस होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट को जो है बताने काम जो है डेटिव केस कहता है, और डायरेक्ट को बचाने का काम जो है एक्सेसिव केस कहता है। डायरेक्ट के लिए जो एक्सेसिव केस है और इनडायरेक्ट के लिए जो डेटिव केस है। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो है, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी गुड मैसेज। इसमें जो है गुड मैसेज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो मी जो है हमारा डेटिव केस में आएगा। वी गेव अ बोन टू आवर डॉग। यहाँ पे जो है बोन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आवर डॉग जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो ये भी जो हमारा डेटिव केस है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमारा जो है सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है वह जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे। नॉन लिविंग थिंग हमेशा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, अगर और लिविंग थिंग जो है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो हमेशा जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं तब, अगर अकेले ऑब्जेक्ट में आते हैं तो कुछ भी हो सकते हैं, अब लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट में आते हैं तब, अगर दोनों आते हैं तो उसमें वहाँ पे जो हमारा सबसे पहले ही पहचान लिया जाता है कि अगर नॉन लिविंग है तो डायरेक्ट हो गया, और लिविंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सो इससे आसानी से जो हम बता सकते हैं कि डेटिव केस जो है कैसे पहचान सकते हैं। डेटिव केस जो है आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताता है। नेक्स्ट है हमारा वैकेटिव केस। द नाउन विच इज यूज टू गेट अटेंशन आर एड्रेस ऑफ अ नाउन डायरेक्टली इज कॉल्ड वैकेटिव केस। वैकेटिव केस वह होता है जो अपनी ओर ध्यान आकर्षण करता है या फिर जो है किसी व्यक्ति द्वारा किसी संज्ञा को जो है संबोधित करता है। वैकेटिव केस जो है या तो वह संज्ञा होती है जो अपना ध्यान आकर्षण करता है, या एकदम प्रत्यक्ष रूप से जो है संज्ञा का संबोधन करता है, उसी को हम वैकेटिव केस हिंदी में जो संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है अजय, आर यू कमिंग फॉर अ फंक्शन। यहाँ पे अजय जो है वैकेटिव केस है क्योंकि उससे पूछा जा रहा है, उसे संबोधित करके पूछा जा रहा है कि आप इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। नेक्स्ट है आई नो योर ब्रदर सागर। यहाँ कहा जा रहा है कि मैं आपके भाई सागर को जानता हूँ, यानी जो सागर है ये वैकेटिव केस है। देयर इज फाइव केस ऑफ नाउन। हमने जो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, आप जो सबसे पहले वीडियो पॉज करके एक मिनट बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसका जो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसे समझने में आसानी रहेगी। और सबसे आसानी तरीके से हमने ये बता दिया है कि जितने भी केसेस हैं हर सेंटेंस में हमने अलग अलग जो है वर्ड को अंडरलाइन किया है और अलग अलग मार्क से लिखा है एग्जाम्पल के रूप में। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले नॉमिनेटिव केस में समीरा है, आयुष है। वैकेटिव केस में जो है क्या है, हिज क्लाइंट है, हर असाइनमेंट है। पॉसेसिव केस में जो है आदर्श शेयर है, विश्वास अम्ब्रेला है। डेटिव केस में जो है मी है, आवर डॉग है। वैकेटिव केस में अजय है और सागर है। डेट इज ऑल। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो आपको केस समझने में काफ़ी मदद करेगा। एंड थैंक यू।